मोहम्मद ताहा, नए बैट्समैन, बड़ी अच्छा पुल किया इस मरतबा ताहा ने और गेंद बाउंड्री से बाहर। इस मरतबा इस गेंद को खेले हैं स्ट्रेट ड्राइव और इसके ये फ्रेट थी, इसलिए कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था। और आप देखें सिर्फ गियर चेंज किए हैं गुजरात एक दो ओवर से आलमगीर जिमखाना के बैटर्स ने और बड़ी अच्छी एफर्ट थी यहाँ पर, क्या ये कामयाब रही या नहीं, लेकिन नहीं, चार रन हासिल किए। हो गया अशर कुरैशी थे फील्डर, कोशिश के बावजूद गेंद को नहीं रोक सके। फ्लाइटेड बॉल लेकिन फुल टॉस बनाते हुए खेले ताहा, एक रन, चार रन, क्या लेजी एफर्ट थी, कितनी आईसीकी के साथ गेंद बाउंड्री के बाहर। शॉर्ट शॉर्ट बॉल उड़ा के खेले, उठता हुआ स्ट्रोक और बाउंड्री हासिल कर जाएंगे यहां पर ताहा। बड़ी जबरदस्त बैटिंग है आलमगीर जिमखाना के दोनों प्लेयर्स की जानिब से, छह रन का सिग्नल अजीज उर रहमान की जानिब से। मोहम्मद ताहा बहुत अच्छे नौजवान बैट्समैन है मोहम्मद ताहा और बहुत अच्छा शॉट खेला ऑन साइड पर निकल गई, स्विफ्ट करने के लिए गए और इस पे एलबीडब्ल्यू की अपील भी की थी, लेकिन गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ और चार रन यहां पर मिल गए हैं। फ्लाइटेड बॉल, ऊंचा शॉट खेले हैं, देखना होगा कि कैच ले पाते हैं या नहीं। फील्डर गेंद के नीचे और ड्रॉप, एक और कैच ड्रॉप। बॉल कट किया है और यहां मिस फील्ड हुई है और बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गए चार रन के लिए। मोहम्मद ताहा 47 रन पे क्रीज पे मौजूद, 33 बॉलों का उन्होंने सामना किया है, छह चौके और एक छक्का मार चुके हैं अभी तक अपनी टीम के लिए। बहुत ऊंचा शॉट खेले हैं ऑफ साइड पर, फील्डर की पहुंच से दूर और बहुत कैजुअली फील्डिंग करने के लिए आए थे, लेकिन बहरहाल फील्ड करने में कामयाब। आगे निकलकर बिल्कुल अंपायर के ऊपर से चार रन और 50 रन भी मुकम्मल हुए मोहम्मद ताहा के हासिल किए। बहुत डेलिकेट शॉट, बहुत खूबसूरत कट और चार रन। जहां ताहा 50 करने के फौरन बाद एक एतमाद में इजाफा आया है उनके और is able to dodge the fielder at the mid wicket as he tries to go for the catch. Dalian Rajput. Catch ho gaya. Come and he's out. Try to clear the long off fielder, then get hold of the shot and caught at long gone by the fielder. So Taha played well, got out for 63.